नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को भाई साहब शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। शर्मनाक तो नहीं, टीम इंडिया थोड़ी बहुत लड़ी जरूर, लेकिन ये हार टीम इंडिया को चुभेगी, क्योंकि टीम इंडिया का अब अगला जो मुकाबला है वर्ल्ड कप में, पहला मुकाबला 8 तारीख को, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही होने वाला है। ऐसे में टीम इंडिया की ये हार वास्तव में कई सारे सवाल खड़े करती है। तो टीम इंडिया की इस हार के 5 विलन कौन से हैं, किन 5 खिलाड़ियों की वजह से, किन 5 फैसलों की वजह से टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार मिली। सबसे पहला फैसला, टीम इंडिया को इस मुकाबले में शुभमन गिल को बाहर नहीं करना चाहिए था, शुभमन गिल को आराम नहीं देना चाहिए था। विश्व कप से पहले आप जब जिस जो खिलाड़ी आपका प्रमुख ओपनर है उसे आप बाहर कर देते हैं, जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़े हो गए। वॉशिंगटन सुंदर जैसे एक ऑलराउंडर से आप ओपनिंग करवा देते हैं, यह टीम इंडिया के ऊपर बड़ा सवाल है कि वॉशिंगटन सुंदर को ओपन क्यों करवाया। वॉशिंगटन सुंदर की जगह आप किसी दूसरे खिलाड़ी से ओपन करवा सकते थे, आप केएल राहुल से ओपन करवा सकते थे। सुंदर के अंदर आखिर ऐसी क्या खासियत नजर आई कि रोहित शर्मा ने सुंदर से ओपन करवा दिया, तो यहां पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद में जो दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है वो टीम इंडिया के मध्यम क्रम पर खड़े होते हैं। मध्यम क्रम पूरी तरीके से लड़खड़ा गया, स्टार्ट हर खिलाड़ी को मिला। आप बात चाहे केएल राहुल की कर लीजिए, आप बात चाहे विराट कोहली की कर लीजिए, आप बात चाहे श्रेयस अय्यर की कर लीजिए, तमाम खिलाड़ियों को स्टार्ट मिला, लेकिन कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाया, कोई भी खिलाड़ी छोटी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया, और ये टीम इंडिया की हार की वजह बनी। गेंदबाजों ने कोई खास गेंदबाजी नहीं की, बल्लेबाज भारतीय बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट हुए, अपनी गलतियां करते चले गए, आउट होते चले गए, ये टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह रही। तीसरी वजह रही सूर्य कुमार यादव का फेल होना। जिस तरीके से गलत शॉट खेलकर सूर्य कुमार यादव आउट हुए, जाहिर तौर पर सूर्य कुमार यादव के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, सूर्य कुमार यादव की जगह पर खतरा मंडराने लगा है अब, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर इसी तरीके से खेलेंगे तो जाहिर तौर पर उनकी जगह वनडे क्रिकेट में अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के ऊपर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे और एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ने उसी तरीके का शॉट खेला है, तो जाहिर तौर पर सूर्य कुमार यादव के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब इस तरीके से कैसे काम चलेगा। उसके बाद में जो सवाल खड़े हुए वो टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी के ऊपर, टीम इंडिया में 3 स्पिन गेंदबाज थे, आप 3 स्पिन गेंदबाज की वजह के चलते आप एक तेज गेंदबाजी को और खिला सकते थे, आप मोहम्मद शमी को खिला सकते थे, इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद भी थी और जो जिन तेज गेंदबाजों के पास वेरिएशंस है उनको मदद थी। 3 स्पिन गेंदबाजों ने, हमारे तीनों स्पिनर्स ने आप यकीन मानना 157-58 रन लुटा दिए और केवल 2 विकेट मिले, वो भी कुलदीप यादव को, तो जाहिर तौर पर ना जडेजा विकेट चटका पाए, ना वॉशिंगटन सुंदर विकेट चटका पाए, तो जाहिर तौर पर ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं स्पिनर्स के तौर पर, सुंदर के ऊपर और जडेजा के ऊपर, क्योंकि विकेट दोनों नहीं चटका पाए। अब सवाल एक और भी है कि कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाए, उनसे 6 ओवर केवल क्यों करवाए गए, कुलदीप यादव से पूरे ओवर क्यों नहीं करवाए गए, ये रोहित शर्मा के फैसले का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई साहब आपने जो विकेट टेकर गेंदबाज था आपका, आपने उससे केवल 6 ओवर क्यों करवाए, आपने उससे पूरे 10 ओवर क्यों नहीं करवाए, ये रोहित शर्मा के ऊपर, उनके फैसले के ऊपर वास्तव में बहुत बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के कुछ फैसले गलत रहे, कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन गलत रहा, इसकी वजह से ही टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। जाहिर तौर पर यह हार चुभेगी जरूर, हालांकि टीम इंडिया सीरीज जरूर जीत चुकी है, लेकिन यह हार विश्व कप से पहले चुभेगी, क्योंकि हमें अगला मुकाबला जो 8 तारीख को खेलना है, पहला विश्व कप का मुकाबला, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेलना है और चेन्नई के मैदान पर खेलना है, तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक अपसेट होगा इस मुकाबले को हारना। आपका टीम इंडिया की इस हार पर क्या कहना है और सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में कौन सी है टीम इंडिया की इस हार की, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू वेरी मच।